रहीम, वेलकम टू रोशी हयात किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बटर चिकन। आइए, इसका सामान आप देख लीजिए। ये है चिकन 1/2 kg, ये रेड चिली पाउडर है 2 टेबल स्पून, इसको आधा हम मैरिनेट करने में डालेंगे और आधा हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये दही है योगर्ट 2 टेबल स्पून, ये क्यूमिन पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 4 टीस्पून, इसको हम आधा मैरिनेशन में डालेंगे और आधा हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये अनियंस हैं, वन लार्ज अनियंस, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये चिकन तंदूरी मसाला है 1 टीस्पून, ये 4 टमाटोज हैं, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये क्रीम है 2 टेबल स्पून, ये सॉल्ट है 2 टेबल स्पून, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये दूध है 1/2 कप, ऑयल 4 टेबल स्पून, ये बटर है 50 ग्राम्स। आइए दिखाते हैं हम इसको मैरिनेट कैसे करते हैं। इसके मैरिनेशन के लिए हम पहले इसमें दही ऐड करेंगे, टू टेबल स्पून हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, क्यूमिन पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है, सॉल्ट, ये कश्मीरी ग्रीन रेड चिली पाउडर है। इसका कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आपको इसका कलर कम लगे तो आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये तंदूरी मसाला, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे जिससे इसका मैरिनेशन अच्छे से हो जाता है और चिकन पे ये मसाला चिपक जाता है, फ्राई करते हुए ख़राब नहीं होता। और हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, मसाला इसमें हमने अच्छे से मिक्स हो गया है और हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब ये मैरिनेट होते हुए इसे आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसके फ्राई करेंगे। ये ऑयल मैंने पहले रख दिया था गरम करने के लिए, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें ये मैरिनेशन का डालेंगे। आप डालिए क्योंकि इसमें काफ़ी, देखिए ये फ्राई हो रहा है, अभी इसको हमें छूना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ लो फ्लेम पे इसे हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे टर्न करके फिर दूसरी तरफ से कुक करेंगे। देखिए, इसे करीब 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे टर्न करेंगे और हमें इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक करना है। हमें इसे 80% तक कुक करना है, उसके बाद 20% ये ग्रेवी में अपने आप कुक हो जाएगा। देखिए, ये फ्राई हो गया है, ये तकरीबन 80% कुक हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये ऐसा होना चाहिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे, फिर हम इसमें बटर ऐड करेंगे। देखिए, ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें बटर डालेंगे। ऑयल में बटर डालने से बटर काला नहीं पड़ता, और वैसे हम अगर इसमें बटर डाल देंगे खाली तो वो काला हो जाता है। बस ये अब बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। मेल्ट हो गया, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। ये सॉटे हो गया, अब हम इसमें अनियंस का पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए, ये अनियंस पेस्ट सॉटे हो गया, हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और मसाला हम अच्छे से भुनेंगे। देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल इसका सरफेस पे आ चुका है, अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा थिक करेंगे। देखिए, ये टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितनी हमें इसका चाहिए थिकनेस उतनी ही हम इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। देखिए, इसमें एक बॉयल आ गया टमाटर प्यूरी में, हम इसमें ये फ्राई चिकन ऐड करेंगे और जो थोड़ा रह गया था इसमें गलने के लिए वो इसमें कुक हो जाएगा। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये कसूरी मेथी है, फ्रेंकल लीफ,
और इसको आप ऐसे क्रश करके डालिए, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब से 5 मिनट के लिए इसे लीड से कवर कर देंगे और फिर आगे देखते हैं, दिखाएंगे। अब इसमें बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए क्रीम इस वो बटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। देखिए क्रीम डालने के बाद में हमें इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस ये क्रीम इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसका एरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। ये डिश हमारी तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए डिश हमारी तैयार है बिल्कुल, और इसे आप ज़रूर टेस्ट करिए, ये बहुत टेस्टी होती है। और आपको अगर हमारी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए इसे और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।